मेरा नाम धर्मेश सिंह है। सरिता रानी मेरे पेशेंट का नाम है, मेरी वाइफ। उसकी क्या है बोले तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बीपी हाई हो गया था, 6 महीने प्रेगनेंसी। उसके बाद में सुबेरे मॉर्निंग में हुआ, हम लोग सडनली क्या है कि इमरजेंसी केस में लेके आए, एडमिट करे। 11 तारीख से एडमिट करने के बाद में सब अच्छा है। 3-4 दिन में बीपी 160-150 है। पेशेंट चल रहा फिर रहा, मेरे से आराम से बात कर रहा था। हम लोग स्टार्टिंग से नॉर्मल नक्को बोल के बोल रहे, तो नॉर्मल ऑलरेडी इससे पहले भी हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाके चेकअप कराए तो बड़े डॉक्टर साहब भी बोले कि नहीं, नॉर्मल नहीं होता तुम्हारे को, ऑपरेशन ही रहता ठीक है बोले। हर जगह हम गए तो ऑपरेशन ही बोले, हर जगह नहीं बोल के हमारे को 10-12 दिन से नॉर्मल बोल के रोक के रखे। कल भी 5 बार मेरे से साइना लिए, 5 बार रिकॉर्डिंग करे। अब कल ऐसा हुआ बोल के रिकॉर्डिंग बताओ बोले तो अलग अलग कट करके रिकॉर्डिंग बता रहे। मेरा पेशेंट 10 मिनट पहले मेरे से बात करके गया, मेरे को कल सुबेरे भी क्या बोले कि नहीं तुम्हारे को बात करना है, साइन लेना है तुम्हारी, आओ बोले। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया, मेरी बीवी बात कर रहे, सो मेरे कने ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मेरी बीवी खुद फ़ोन करके मेरे को हॉस्पिटल बुलाई, चल लेते बाहर आके बाहर बात करी। बात करने के बाद में क्या हुआ, मतलब क्या हुआ भाई बोले तो नहीं नहीं ऐसा मैडम बात करते बोल रहे, जरा मैडम से बात करो बोले तो ठीक है बोल के मैडम से बात करा। बात करने के बाद में मैडम बोले कि नहीं, इनको अभी हमारे बड़े मैडम बोल रहे कि नॉर्मल करो बोल रहे, ऑपरेशन नहीं बोल रहे। हम जब को भी मैं बोल रहा हूँ नहीं मैडम आप इतना तकलीफ़ क्यों दे रहे, तकलीफ़ देने के बाद में भी ऑपरेशन करो बोले तो नहीं कर रहे आप, नॉर्मल नहीं हो रहा ना उनको। ऑलरेडी आप 8 दिन से दवा कंटिन्यू दिए, नॉर्मल होना हल्के उनको असर नहीं हो रहा, उनको तकलीफ़ बहुत हो रहा बोल रहे। तुम आप ऐसा कहीं को कर रहे बोले तो तुम्हारे को मालूम हमारे को मालूम, हम डॉक्टर है तुम डॉक्टर है, हम बोले सर का तुम लोग आ सुनना। फर्स्ट डिलीवरी है ये, सरिता रानी पेशेंट का नाम है, फर्स्ट डिलीवरी है। 38 एज है उनका, फर्स्ट डिलीवरी है। 6 मंथ प्रेगनेंसी कम्प्लीट, 7th मंथ रनिंग है ये, 7th मंथ रनिंग है। ऑलरेडी स्कैन कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बच्चा अच्छा है बोल रहे हैं, बड़ी जान को भी बचाते बोल के हमारे से पहले से बोल के साइना लिए। लेने के बाद में 4 बार होने के बाद कल 5वीं बार मेरे को फिर बुलाए, फिर बुला के रिकॉर्डिंग करे। मैं बोला मैडम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर चीज़ साइन ले रहे, मेरा पेशेंट की गारंटी क्या है बोले तो नहीं नहीं आज नॉर्मल को आज एक दिन ट्राई करते। मैं बोला नहीं हो रहा ना मैडम, ऑलरेडी नॉर्मल नहीं हो रहा, आप 8 दिन से दवाई दे रहे, हम 11 तारीख से यहाँ पर एडमिट है, हमारी बात कोई सुन रहे क्यों नहीं, आप कई को ऐसा कर रहे हैं हमारी बड़ी जान के संगात बोले तो नहीं 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 हमारे को बड़े मैडम बोले से उन्होंने बोले सर का हम सुनना पड़ता, सुपरिटेंडेंट मैडम बोले से उन्होंने बोले सर का हम सुनते, तुम बोले सर का नहीं सुनते तो ऐसा है तो तुम्हारा पेशेंट बाहर छोड़ देते, हमारे को उससे कंसर्ट नहीं है, हम बोले सर का सुनने का है तो यहाँ रहो, नहीं तो नहीं बोल के क्या है कि इतना बोलने के बाद भी उतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुने सर, नॉर्मल करते बोल के उनको आज कल सुबह 12 बजे मेरे से काउंसलिंग करे सर, 12:15 की काउंसलिंग हुई, 12:30 बजे मैं पेशेंट से बात करा, पेशेंट मेरे कने आया आके फिर इन काउंसलिंग के बाद मैं पेशेंट को बुलाया फ़ोन करके, फिर पेशेंट मेरा बीवी बाहर आने के बाद में मेरे मैं मेरी बीवी बात करे, देखो भाई ऐसा बोल रहे ऑपरेशन बोलो तो नहीं बोल रहे उन्हों कि आज एक दिन नॉर्मल ट्राई करते बोल रहे, नहीं तो कल ऑपरेशन का वो भी मैडम बोले तो सोच के हम बोलते कल करते नहीं करते, तो बोलने के बाद में ऐसा बोले सो है बोल के बोले तो नहीं वही मेरे बहुत तकलीफ़ हो रहा। तो जब को भी मैडम ठहरे सो है उन्होंने जो काउंसलिंग करे मेरी उन्होंने ठहरे हुए रहने के बाद में, हाँ काउंसलिंग करने के बाद में भी ठहरे सोए तो मैं बोला नहीं मैडम ऐसा प्रॉब्लम है रहा ना उनको बोले तो नहीं नहीं दवा लगा रहे बोल के लेबर रूम में लेके गए। लेबर रूम में लेके जाके उनको गिराए नहीं मालूम, उन्होंने गिर गए नहीं मालूम, किसी को जाने नहीं दे रहा। हमारे संगात हमारे मेरी भाइन संगाते लेडीज एक संगात रहना बोले तो उन्होंने संगाते उनको भी लेके जाने नहीं दिए, उन्होंने भी जाते जाते बोले तो उनको भी बाहर धक्का दे के हकाल दिए, धक्का दे के हकाल ने कहा उनको लेके जाके उन्होंने गिरा, मेरी बीवी तो बोली गिरा दिए बोली उन्होंने गिरा दिए तो ऐसा हाथ रख के मेरी बीवी है पेशेंट मेरी बीवी है ये हाँ ये उंगली ऐसा हाथ रख के बैठे तो वो कर दिए बोले तो ये उंगली यहाँ से कट गया, कटने के बाद में ये थोड़ा नाखून निकल गया, तो भी मेरा पेशेंट बाहर आया व्हीलचेयर पे नहीं छोड़ रहे तो उनको बाथरूम आ रहा बोल के बोलते बोल के बाहर आए तो बाहर लाते ही मेरे को बुलाए, मैं वही ठहरे सो मेरे को बुलाने के बाद में देखो वही कैसा करे, मैं जस्ट ऐसा हाथ पकड़े रहो मतलब बात कर रहा हूँ तो मेरे को बात करने नहीं दिए,
जब का जब जबरदस्ती खींच के अंदर लेके गए, जस्ट 10 मिनट में हमारे बहन अंदर से भाग लेते आए। मैं बोला क्या हुआ, बोले तो नहीं नहीं देख तू चल, देख चल बोले तो अंदर गए तो लग उनका सांस ही नहीं चल रहा। कंप्लेंट लिखा है चांद मीनार PS में, कंप्लेंट लिखा है वहाँ जाके देखने का आदमी। सर आपका नाम? धर्मेश सिंह। धर्मेश सिंह है मेरे को, तकरीबन पूरे लोग राजा सिंह बोल के बुलाते। धर्मेश सिंह मेरा जन्म नाम है।